संकल्प पत्र नाम से बीजेपी जारी कला 2019 घोषणा पत्र संकल्प पत्र घोषणा कले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 कोटी लोकों मतामत को नहीं दल पक्ष जारी करा जाई छी संकल्प पत्र एथरे रही छी 75 संकल्प संकल्प पत्र को 12 श्रेणी में विभक्त कर 130 कोटी लोकों आकांक्षार पत्र हो संकल्प पत्र संकल्प पत्र अच्छी लोकों मनर कथा एथाई भारत को विश्वर तृतीय बृहत अर्थव्यवस्था करने लक्ष्य राम मंदिर प्रसंग में एवं भी दल अटल रही तेणु मंदिर निर्माण पर समस्त संभाव्य उपाय बाहर कर 2022 सुधा कृषक मान आमदानी दुईगुण हो सेपरि केन्द्र गृहमंत्री राजनाथ सिंह कहते धारा 370 एवं 35 ए को हटाजिव अनुप्रवेश को संपूर्ण भाव में बंद करा प्रयास चली छोट दोकानी मान को मिल पेंशन सबु घर को गैस एवं बिजुली जगैवा आमर लक्ष्य नागरिक संशोधन बिल पूरा देश में लागू हो 2024 सुधा 200 विमान बंदर निर्माण करने सरकार लक्ष्य रही संकल्प पत्र में कहुई पत्र राष्ट्र की सुरक्षा का पत्र भी है यह हमारा संकल्प पत्र राष्ट्र की समृद्धि का भी पत्र है। इन सारी बातों के साथ आपको याद होगा कि हम 90 के दशक में बार बार सुनते थे 21वीं सदी आ रही है 21वीं सदी आ रही है लेकिन देश को उसके लिए तैयार करने में हमने मौका गंवा दिया। 21वीं सदी एक नारा बन गया चुनाव में बोला जाता था चर्चा होती थी। 21वीं सदी में तो हम दो दशक तो पार करने की पहुंच गए हैं। 2022 आजादी के 75 साल है और कुछ ऐसे ऐतिहासिक पल होते हैं जो प्रेरणा के लिए बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। अगर गांधी 150 तो अपने आप में स्वच्छता के लिए एक प्रेरणा का कारण बन सकते हैं। आजादी के 75 साल प्रेरणा का कारण बन सकते हैं। अब हम सुनते हैं कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। अगर 21वीं सदी एशिया की सदी है तो भारत उसको लीड करें या न करें, करना चाहिए कि नहीं कर चाहिए, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमारा संकल्प पत्र है। हम संकल्प के साथ चलते हैं कि जब हिंदुस्तान की आजादी के 100 साल होंगे 2047, आजादी के 100 साल हो तब देश डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की ऊंचाई को कैसे पार करे। और ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें कह सकते हैं हम, लेकिन मैं 2047 की ओर नहीं ले जा रहा हूं आपको, लेकिन 2047 का जो मजबूत फाउंडेशन है 2019 से 24 में रखना होगा। 2019 के 24 के मजबूत फाउंडेशन के आधार पर ही 2047 आजादी के 100 साल देश और वो हिंदुस्तान के हर नागरिक का सपना बने, एक मास मूवमेंट बने। हमें देश को वहां ले जाना है और एक बार ये हम मिजाज पैदा कर देते हैं, हमने घोषणा पत्र में संकल्प पत्र में इस बात का इशारा किया है, विस्तार नहीं किया है, लेकिन हमने जो विस्तार किया है वो इन 5 सालों के लिए किया है और उसमें हमने 2022 आजादी के 75 साल को देश के सामने हमने अपने आप को कटघरे में खड़े कर करके अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रस्तुत किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारा निर्णय है और हमने किया है। देश भ्रष्टाचार को सहने को तैयार नहीं है। कानून नियमों की व्यवस्थाएं हो, हमारा अप्रोच हो और हम ईमानदारी को बल देते हुए, ईमानदारी की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए भ्रष्टाचार से मुक्ति की दिशा में जाना चाहते हैं। हमने देखा होगा कि 19वीं शताब्दी में हमारे देश में जो सामाजिक बुराइयां आई थी, बहुत बड़ी मात्रा में बुराइयों ने समाज को जकड़ लिया था। उस समय के नेतृत्व ने, एक तरफ आजादी का जंग चल रहा था लेकिन 19वीं शताब्दी में ज्यादातर सामाजिक सुधार के अभियान हुए। बड़ी हिम्मत के साथ हमारे देश के अनेक महापुरुष निकले और उन्होंने किया। आज समय की मांग है
कि हमारी खास करके राजनीतिक व्यवस्था में, शासकीय व्यवस्था में जो बुराइयां घर कर गई है, 19वीं शताब्दी में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जिस प्रकार से एक जन चेतना का आंदोलन चला, आने वाले दिनों में इन एक निश्चित फ्रेमवर्क की व्यवस्थाओं के भीतर इस प्रकार की जो बुराइयां घुस गई हैं उसके खिलाफ कदम भी लेने हैं, नीतियां भी बनानी है, निर्णय भी करने हैं, लेकिन जन सामान्य का दबाव भी बढ़ाना है, एक जन आंदोलन भी करना है, सुधार के संकल्प की ओर जाना है, और उस दिशा में भी एक सकारात्मक विचारों को लेकर के हम देश को आगे ले जाने की दिशा प्रयास करते हैं। गांव, गरीब, किसान हमारे इस केंद्र में है। देश के नौजवान वो आने वाले 5 साल में 2047 का भविष्य तय करने वाले हैं, और इसलिए देश के नौजवानों को उस प्रकार से परवरिश हो, देश के नौजवानों के लिए उस प्रकार के अवसर जिसमें हम कहें 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर में 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये अपने आप में बहुत ऊंचे लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो पूरी व्यवस्था को, आर्थिक आधार को एक नई ताकत देंगे और एक ऐसा परिवेश जो हिंदुस्तान इस 5 साल में ऐसी स्थिति में ला देना है ताकि वो 2047 की आकांक्षाओं को अपना सपना बना ले, और सपना बना करके हम उस दिशा में सरकारें आगे बढ़े, उस बात को लेकर के एक फाउंडेशन का काम भी हम इसके साथ साथ करेंगे। आकांक्षाओं को पूर्ण करने का सपना लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर एक बार इस संकल्प पत्र की रचना में जिस टीम ने काम किया है उनका अभिनंदन करता हूं। मैं बारीकी में छोटे छोटे प्रोग्राम की रचना में नहीं गया हूं, एक मूलतः राष्ट्र को आगे 5 साल में किस दिशा में जाना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड मेरे मन में क्या विचार रहते हैं उसको मैंने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। मैं फिर एक बार आप सबने जो कुछ भी सहयोग दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।